नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैट टू करेक्ट में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे हैच कमांड को कैसे फास्टली यूज किया जाता है। बहुत बार क्या होता है, अगर हम हैच कमांड देते हैं हमारे ड्राइंग में और हम किसी ऑब्जेक्ट को हैच अप्लाई करना चाहते हैं तो वो स्लो हो जाता है, उसको हम कैसे फास्ट कर सकते हैं, क्या ट्रिक है जिसे यूज कर सकते हैं और हम ये फास्ट तरीके से हैच कमांड यूज कर सकते हैं। तो वीडियो में ऐसे आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और आने वाले वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा। देखिए, मेरे पास एक ड्राइंग है, अगर मैं आपको इसमें दिखा तो अगर मैं इसे टेबल को हैच करना चाहता हूँ, ये मेरे पास टेबल है, मुझे इसे हैच करना। हैच के लिए हम कमांड देते हैं कीबोर्ड पे एच, एच करने के बाद हम एंटर प्रेस कर देते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद हमें जो भी हैच चाहिए रहता है हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। ये देखो, आपका ये सिस्टम हैंग हो चुका है। ये सिस्टम हैंग होने की वजह यही है कि ये जितने भी ड्राइंग में जो भी लाइन्स हैं ये उसे कैलकुलेट कर रहा है, उसे कैलकुलेट करने के बाद ये हैच करेगा। वो चीज़ अवॉइड करने के लिए मैं इसका वेट नहीं करता हूँ, मैं इस पर कीबोर्ड पर इसको स्कैप कर देता हूँ। स्कैप कर दिया, उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि ये टेबल को मुझे हैच करना है, मैं इसे यहाँ से ड्राइंग से मूव कर लेता हूँ या मैं कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने इसको कॉपी कर लिया, रेक्टेंगल को कॉपी करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे स्क्रीन में उतना ही एरिया जूम करना है जितना कि वो रेक्टेंगल डिस्प्ले हो, बाकी कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्ले नहीं हो। ये करने का फायदा ये होता है, हमारी स्क्रीन में अभी हमारे जो रेक्टेंगल के अलावा और कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो हम जब हैच कमांड देंगे तो वो किसी और चीज़ को कैलकुलेट नहीं करेगा। जैसे कि मैंने हैच कमांड दी, हैच कमांड देने के बाद मैंने हैच सेलेक्ट कर लिया। हैच सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। ये देखो, आप ये हैच हो चुकी है। हैच होने के बाद जैसे कि मुझे हैच थोड़ा, मैं इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ, ये थोड़ा बड़ा चाहिए था, स्केल बढ़ा देता हूँ। मैंने स्केल इसका कर दिया 100। ये स्केल अभी इसको क्या कर सकते हैं, यही हैच को आप वहाँ पर कॉपी कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। मैं इसे मूव कर देता हूँ, एम एंटर करके यहाँ से बेस पॉइंट ले लेता हूँ। एम फॉर मूव कमांड, मूव कमांड करके मैं ये कॉर्नर बेस पॉइंट ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अगर आपको ये छोटी सी ट्रिक हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ पता थी या नहीं थी। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।